मूंगफली का जो खल निकल रहा है वो बिल्कुल एडिबल रहता है, हम उसको बिल्कुल खा सकते हैं। ये लाइव वीडियो में आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए हम टिश्यू पेपर लिया हमने, उसको हमने ऐसा प्रेस कर दिया और देखिए टिश्यू पेपर के ऊपर भी ऑयल भी नहीं आ रहा है, जितना लोग उतना पूरा का पूरा ऑयल निचोड़ के निकाल देती है ये मशीन। मैं बिल्कुल इसको छू सकता हूँ, एकदम नॉर्मल सा हीट है। अभी देखिए मूंगफली का ऑयल भी आना शुरू हो गया है। ऐसे आप मूंगफली नहीं ऐसे ही बहुत सारे मेटल का ऑयल निकाल सकते हैं आप। सर ये देखिए प्योर वाला ऑयल निकल गया पूरा कोल्ड प्रेस सिस्टम के अंदर, पूरा हाइजेनिक वे में। आज हम दुनिया के सबसे छोटे वाले जो घर पे रखे आप प्योर ऑर्गेनिक ऑयल निकाल सके कोल्ड प्रेस वाला, वही वाला मशीन हम लेके आए हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पे पावर प्लगिंग करना है। पावर प्लगिंग करने के बाद दे दिया ये हीटिंग का स्विच है, वो ऑन कर लिया। सादा सिंपल और कुछ नहीं करना है, ये सादा सिंपल डिस्प्ले है जिसके अंदर आपको प्लस माइनस जो भी टाइम से सेट करना है वो सेट कर लेना है। जैसे कि अभी हमने 200 किया है, 200 करने के बाद रुकना है सिर्फ 2 मिनट के अंदर, ये आपको 200 यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। जैसे 200 आता है वैसे मटेरियल डाल के मशीन को चालू कर देना रहता है। जी जैसे कि इसमें नंबर्स बढ़ रहे हैं अभी। बिल्कुल बिल्कुल, और जैसे जैसे नंबर बढ़ते जाएंगे आपको दिखता जाएगा प्लस होते जाएंगे। जैसे 200 रीच हो जाता है तुरंत मटेरियल डाल देना है और स्विचिंग बटन दबा देना है। ये 600 का हैवी ड्यूटी मशीन है और आपको एकदम बढ़िया टेक्नोलॉजी में उसको बनाया हुआ है, डबल कूलिंग फैन के साथ बनाया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया है, अभी यहाँ पे 200 आ जाएगा। आप ये देख सकते हैं कि सरसों है, अब एक ही मशीन में सिर्फ सरसों ही नहीं तिली मूंगफली सोयाबीन कड़ी कलौंजी अलसी अखरोट बादाम मल्टीपल मटेरियल का एक ही मशीन में आपको ऑयल निकाल देगी और एकदम साइलेंट काम करते हैं। बढ़िया टेक्नोलॉजी यूज किया हुआ है, 600 का हैवी ड्यूटी है जिसकी वजह से आपको सेफलावर मटेरियल का भी ऑयल निकाले तो भी आप निकाल सकते हैं, वेजिटेबल सीड्स का ऑयल निकाले तो भी निकाल सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 200 हो गया है, ठीक है। अब इसके अंदर हम डालते हैं सरसों, बस सिंपल सा सरसों डाल देना और कुछ नहीं करना, सिर्फ यहाँ पे स्विचिंग बटन दबा दिया। या जैसे स्विचिंग बटन हम दबाएंगे वैसे एक तरफ से ऑयल आना शुरू हो जाएगा, एक तरफ से खल आना शुरू हो जाएगा। आप खुद देख सकते हैं लाइव डेमो है ये, और एकदम साइलेंट काम करते एकदम बढ़िया से, अब उसका साउंड भी आप सुन सकते हैं। और ये पूरा कोल्ड प्रेस टेक्नोलॉजी है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये जो खल निकल रही है एकदम कागज से भी पतली खल है। अगर इसको हम चेक करना चाहेंगे, ये लाइव वीडियो में आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए अब टिश्यू पेपर लिया हमने, उसको हमने ऐसा प्रेस कर दिया और देखिए टिश्यू पेपर के ऊपर भी ऑयल भी नहीं आ रहा है, जितना लोग उतना पूरा का पूरा ऑयल निचोड़ के निकाल देती है ये मशीन। और ये जो मशीन है उसके अंदर हमने आपको इस हिसाब से पूरा डेवलप किया है कि ये कहीं पे भी रख के आप इजीली इसको मूव कर सकते हैं। आप देख सकते हैं एक तरफ से खल आ रहा है एक तरफ से ऑयल आ रहा है, मैं बिल्कुल इसको छू सकता हूँ, एकदम नॉर्मल सा हीट है, अपना रूम टेम्परेचर थोड़ा सा प्लस है, एकदम कोल्ड प्रेस मशीन है ये, जो एक ही बार में पूरा का पूरा वो निचोड़ के आपको निकाल देगी। हमने जो टेम्परेचर को सेट किया वो टेम्परेचर है वो मशीन मेंटेन करके रखेगी, 5-10 सिर्फ ऊपर नीचे होते रहेगा बाकी सब ऑटोमेटिक मेंटेन करेगी। जैसे कि हम देख रहे हैं ये सरसों खत्म होने का आया है, सरसों निकल रहा है तब तक निकलने देना, खल निकल रहा है तब तक निकलने देना है। जैसे एकदम से खल निकले बंद हो जाए उसके बाद क्या करना है वो मैं अब आगे बताता हूँ। आप देख सकते हैं कि एकदम पतला पतला खल आ रहा है, इसके अंदर बिल्कुल भी ऑयल नहीं है, जितना है उतना पूरा का ऑयल वो निचोड़ के निकाल दे रहा है। अब एकदम ऊपर में सरसों खत्म हो गया है, खल आ रहा है, निकलने देना है, निकलने देना है, जहां तक आ रहा है निकलने देना है। इसके अंदर हमने ऑटो क्लीन सिस्टम भी डाल दिया है, ऑटो क्लीन सिस्टम कैसे काम करता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि अभी आपने सरसों का ऑयल निकाल लिया हमने, अभी देखिए खल आ रहा है, निकलना बंद हो गया, हिलना शुरू हो गया, मतलब में खल आना बंद हो गया है। फिर इसको स्टॉप कर देना है, फिर एक क्लीनअप वाला बटन दबा देना है। क्लीनअप वाला बटन दबाने से क्या होगा, बीच में जो 5-10 बूंदे ऑयल की रहेगी वो भी सब रिवर्स होकर नीचे गिर जाएगी। ये देखे जो भी 2-4 बूंदे ऑयल की रहेगी वो भी सब रिवर्स होकर नीचे गिर जाएगी। अब ये ऑटो क्लीन सिस्टम है, एक क्लीन हो गया है, हम दूसरा मटेरियल डाल के हम आपको दिखा देते हैं। तो सर मतलब साथ के साथ सरसों आपने अभी पीसी है तो मूंगफली भी डाल सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आपको बार बार उसको खोल के साफ करने की जरूरत ही नहीं है। ये देखे हम अभी मूंगफली का दाना डाल रहे हैं, ठीक है। अभी हमने मूंगफली का दाना डाल दिया है, ठीक है। अभी मैं वापस ये बटन दबा रहा हूँ, अभी जैसा था वैसा मशीन वापस कंटिन्यू चलने लग जाएगा। अभी आगे डायरेक्ट मूंगफली का खल आना शुरू होगा, नीचे मूंगफली का ऑयल आना शुरू हो जाएगा, इसको बार बार खोल के साफ करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अभी देखिए मूंगफली का ऑयल भी आना शुरू हो गया है, ऐसे आप मूंगफली नहीं ऐसे ही बहुत सारे मेटल का ऑयल निकाल सकते हैं आप। जैसे बाल में डालने के लिए ऑयल निकालना है कोकोनट का निकाल लिया, आलमंड का निकाल लिया, फिर जैसे खाने के लिए ऑयल निकालना है तिली मूंगफली सरसों सोयाबीन वो सब का ऑयल निकाल लिया, फिर जैसे कहीं पे दर्द हो रहा है वहाँ पे ऑयल निकाल के मालिश करना है उसके लिए आपने कलौंजी का ऑयल निकाल लिया, और वेजिटेबल सीड है जो आयुर्वेद में बहुत सारे मेडिसिन में यूज होता है उसका ऑयल निकालना है तो उसका भी ऑयल भी आपको बिल्कुल निकाल देगी। और कोई मटेरियल ऐसा है कि जिसमें 10-15% भी ऑयल होगा उसका भी ऑयल निचोड़ के पूरा का पूरा ऑयल निकाल देगी। जैसे अभी हमने मूंगफली का ऑयल निकाला है, मूंगफली का जो खल निकल रहा है वो बिल्कुल एडिबल रहता है, हम उसको बिल्कुल खा सकते हैं। और ये मूंगफली का जो खल है
उसका सब्जी में ग्रेवी की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, घर पर तिली पाक मूंगफली पाक चटनी वगैरह बने उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका जो भी मटर होगा उसका 100% यूज हो जाएगा, बिल्कुल कोई वेस्ट नहीं होगा। ये बिल्कुल कोल्ड प्रेस मशीन है, आप देखिए उंगली का भी देख सकते हैं, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि हमने 200 पे सीट किया आपको उसको 200 पे ही रख के चलाना है। अब 180 पे रखना है तो 180 पे भी रख सकते हैं, 220 पे करना है 220 पे भी कर सकते हैं। उसी वजह से हमने आपको ये डिस्प्ले दिया हुआ है ताकि आप अपने हिसाब से टेंपरेचर वगैरह जो भी एडजस्ट करना है बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। ये यहाँ पे खल निकला भी बंद हो गया है, फिर हमने बंद कर दिया, ये हमने बंद कर दिया और एक क्लीन वाला बटन दबा दिया, तो बीच में जो भी 5-10 बूंदे ऑयल रहेगा बटन को हमें कंटिन्यू प्रेस करके रखना है। 5-10 बूंदे जो भी ऑयल करेगा वो भी सब रिवर्स होकर नीचे गिर जाएगा और एकदम साइलेंट काम करे, आप खुद चेक कर सकते हैं। सर ये देखिए प्योर वाला ऑयल निकल गया पूरा कोल्ड प्रेस सिस्टम के अंदर, पूरा हाइजीनिक वे में, ना ही कुछ मिलाना है, ना ही कोई पानी मिलाना है, ना ही कहीं धूप में रखना, कुछ नहीं करना है, सीधा मटेरियल लेके सिर्फ डाल देना है और कोई प्रोसेस नहीं करना है। मशीन की हमने तेल निकालने की जो प्रक्रिया वो तो देख ली, अभी हम सफाई कैसे करेंगे इस मशीन की, कोई मेंटेनेंस है इसमें? बिल्कुल कोई मेंटेनेंस नहीं है, बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है, कोई भी मटेरियल में से ऑयल निकाल दे पक्कर पत्थर लोहे कोटकड़ा बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। उसका रीजन है कि ये जो मशीन है इसके अंदर आप देख पाएंगे कि जो खल है एकदम कागज इतना पतला हमने निकाला हुआ है, इसको हमने माइक्रो टेक्नोलॉजी यूज किया हुआ है, तो जो ऑयल जो होगा पूरा का पूरा निचोड़ के निकाल देगा, जब उसे पक्कर पत्थर जाएगा थोड़ा स्क्रेचेस आ सकता है, उसका भी सोल्यूशन हमने साथ में दिया हुआ है ये क्या करना है क्या नहीं करना है वो भी। और मशीन के साथ में हमने देखिए हैंड ग्लव्स है, ब्रश दिया हुआ है, आपको बस कुछ नहीं करना है, मशीन साफ करने से पहले हैंड ग्लव्स पहन लेना है और हैंड ग्लव्स पहन के सबसे पहले होपर हटा देना है, फिर इसे हमने खड़ा कर दिया है, आगे का ये यू बैंड हटा दिया और साफ करने के लिए सिर्फ आपको ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट का टाइम लगेगा मैक्सिमम से मैक्सिमम। ये हमने लॉक पिन निकाल दिया, ये देखिए स्क्रूबल सीधा बाहर आ गया और जैसे कि ये बाहर आया आप बिल्कुल देख सकते हैं कि हमने साथ में जो हैंड ग्लव्स दिया हुआ है और ये ब्रश दिया हुआ है, इसके वजह से एकदम से इजी से क्लीन हो जाएगा। बस आपको 2 बार इधर उधर करना है, फिर एक बार देख लेना इसके अंदर कुछ खल वल चिपका हुआ है कि नहीं चिपका हुआ है, आपको लगता है सही क्लीन हो गया है तो क्लीन हो गया बिल्कुल बढ़िया से हो गया। अभी ये स्क्रू के बारे है, स्क्रू को हम एक ब्रश से भी साफ कर सकते हैं, प्लस अगर आपको बहुत बढ़िया से क्लीन करना है तो कॉटन का कपड़ा एक सिंपल सा ले लेना है, उसके बाद स्क्रू को घुमा देना है, एकदम से क्लीन हो जाएगा भाई ये, अब देख सकते हैं एकदम से क्लीन हो गया है। बस इतना ही करना है और कुछ करना ही नहीं रहता है। और दूसरी बात, ये जो मशीन का जो स्पेयर पार्ट है जो मेन चीज है वो है स्क्रू बैरल। स्क्रू बैरल का हमने मैकेनिज्म डिजाइन उस हिसाब से बनाया हुआ है कि कस्टमर को लॉन्ग टर्म तक कोई मेंटेनेंस नहीं करेगा इसके मोटाई की वजह से। दूसरी बात, ये पूरा एसएस का ही है, इसको हम पानी से भी वॉश करना है तो पानी से भी वॉश कर सकते हैं, बाकी ऐसे नॉर्मल से कपड़े से भी वॉश करना है तो भी आप कर सकते हैं, तो उससे भी ये साफ हो जाएगा। अब आप कहीं भी रख के उसको आराम से संभाल के रख सकते हैं। तो मशीन पूरा इस हिसाब से बनाया गया है कि 5 साल के बाद भी सिर्फ इसको गीला पोछा लगा दोगे जैसा हो जाएगा, जैसे नया लेके आए, ना ही कभी टूटेगा फूटेगा कुछ नहीं होगा, ये लाइफ टाइम चलने वाला मशीन है, ना कभी इसको जंग लगेगा। और जहां तक ये हमने ऑयल की बात करते हैं, ठीक है, तो ऑयल निकलने के बाद उसको 2 दिन के लिए रख देना है, 2 दिन के लिए रखा हुआ तो इसमें जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो सब नीचे बैठ जाएंगे, ऊपर पूरा ट्रांसपेरेंट ऑयल आ जाएगा, अब देख सकते हैं लाइव। फिर ये ऑयल को हमें दूसरे बर्तन में निकाल लेना है और जो छोटा छोटा पार्टिकल बचा है उसको फिर हम सब्जी में ग्रेवी की तरह यूज कर सकते हैं। सर ये आपने बताया कि ये मशीन जो है एक बार ले लेंगे तो सालों साल की छुट्टी हो जाएगी, तो सर कैसे, सर ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल सर, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए कि पूरी की पूरी मशीन स्टेनलेस स्टील की है, जहां तक इंडिया की बात है तो इंडिया में सब लोगों के माल में इलेक्ट्रिसिटी अपडाउन होती रहती है, बिजली का झटका बटका कुछ लगता रहता है, उसके लिए हमने यहाँ पे देखिए ओवरऑल प्रोटेक्शन सिस्टम रखा हुआ है, इनकेस बिजली का झटका बटका ऑलरेडी हो जाते स्विच बाहर आते जैसे प्रेस करेंगे वहां से आगे कंटिन्यू पावर सप्लाई हो जाएगी, झटका बटका कुछ लगता है तो यहाँ से पावर सप्लाई रुक जाती है। अब जब ये स्विच बाहर प्रेस करेंगे जैसा था वैसे वापस से मशीन चलने लग जाएगा, तो इसको कुछ नहीं होगा इंटरनल के इंटरनल पार्ट को। जहां तक बाहर की बॉडी की बात है वो 304 SS के है और उसके ऊपर हमने मैट फिनिशिंग किया हुआ है और बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी यूज किया हुआ है, जिसकी वजह से आपको कभी कोई दिक्कत ही नहीं रहेगा। और इनकेस कभी भी आता भी है तो कभी भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, पूरा सपोर्ट रहेगा, कभी कोई इश्यू आएगा ही नहीं, पर बाकी कंपनी का जैसा नाम है वैसा काम है। तो सर आपने ये लिखा हुआ है कि योर एज मंत्र, ये क्या चीज है? योर एज मंत्र, योर एज मंत्र मीन्स आपका स्वास्थ्य का मंत्र, स्वास्थ्य मतलब सेहत, सेहत का मंत्र, विश्वास से जुड़ जाए, विश्वास के साथ जुड़िए और केमिकल फ्री लाइफ जिए, और डॉक्टर का जो भी खर्च आएगा वो भी रिड्यूस हो जाएगा, किसी को घर में छोटा मोटा जो भी बीमारी होगा उसे भी इफेक्ट दिखेगा, क्योंकि एक जो ऑयल जो है वो ऐसी चीज है सिर्फ एक बंदा नहीं पूरा फैमिली बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब लोग ऑयल खाते हैं दिन में 3-3 बार, और जब कोई फास्ट वगैरह रहता है तो दिन में 4-5 बार भी खा सकते हैं। ये एक ही ऐसा मशीन है जिसमें आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ ज्यादा सिंपल मटेरियल डाल देना है, पूरा का पूरा है वो ऑयल वो निचोड़ के निकाल देगी एक ही बार में। देखिए आप देख सकते हैं कि 2-3 दिन में ऑयल एक ही जगह पर रखने के बाद पूरा दूसरा बर्तन में ऑयल डालने के बाद पूरा ट्रांसपेरेंट ऑयल हो गया, जो भी
छोटा छोटा कण था वो सब नीचे बैठ गया, दो दिन तीन दिन में वो नीचे बैठने के बाद आपको दूसरे बर्तन में ऑयल डाल देना है। आप ऑयल निकालने के बाद तुरंत इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सब्जी में यूज कर सकते हैं या फिर दूसरी जगह यूज करते। अगर आपको कोई चीज फ्राई करना है तो फ्राई करने के लिए ऑयल दो से तीन दिन बैठने देना है, उसको नेचुरल फिल्टर बोलते हैं, जो सबसे बेस्ट है। और आपको इन केस कोई भी कस्टमर हमसे मशीन परचेस करता है, 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, 15 साल हो गया, भी दिक्कत आ रही है, परेशानी हो रही, 24/7 पूरा सपोर्ट रहेगा।